वाराणसी के सुप्रसिद्ध ईगल संस्था के द्वारा 54वां देवी वार्षिक महोत्सव अत्यंत भक्तिमय वातावरण में संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए ईगल संस्था के समस्त पदाधिकारियों को और कार्यक्रम में भाग लिए हुए समस्त सद्भक्तों को काशी जंगमवाड़ी मठ के वीरशैव विद्वत संघ के समस्त सदस्यों को काशी विश्वनाथ जी का, जगद्गुरु विश्वाराध्य जी का और माता का अनंत अनंत मंगल आशीर्वाद। प्राय हमारे सनातन परंपरा में शिव और शक्ति को हम लोग सनातन मानते हैं। शिव और शक्ति दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अविभाव संबंध है। जैसे चंद्रमा और चांदनी दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, पुष्प और गंध दोनों अलग नहीं हो सकते, वैसे शिव और शक्ति अविनाभाव संबंध से सदा सदा जुड़े रहते हैं। और भगवान शिव अपनी शक्ति के लिए पूरा अर्धांग प्रदान किया हुआ है। वैसे तो त्रिदेवों में ब्रह्मा जी सरस्वती को अपने जिह्वाग्र में स्थान दिया, भगवान विष्णु लक्ष्मी के लिए वक्षस्थल में स्थान दिया, जगपती माँ अम्बा पार्वती भगवान से मांगने लगी, ब्रह्मा जी अपनी शक्ति को जिह्वाग्र में स्थान दिया है और भगवान विष्णु अपने वक्षस्थल में स्थान दिया है, वैसे आप भी मेरे लिए अपने शरीर पर कुछ स्थान प्रदान कीजिए। भगवान तो भोलेनाथ है, उसको बहुत बड़ा दानी भी माना जाता है। उन्होंने कहा ब्रह्मा और विष्णु थोड़ा कंजूस है, वो थोड़ा थोड़ा जगह दिया है, मैं पूरे अपने शरीर के अर्ध भाग को तुमको दे देता हूँ। तब से भगवान शिव अर्ध नारीश्वर बन गए। जो भी गृहस्थ व्यक्ति होता है, गृहस्थ व्यक्ति अकेले पूर्ण नहीं होता है, अपने शक्ति के साथ उसको पूर्ण माना जाता है। जब कभी आप लोग किसी पूजा में, यज्ञ समारंभ में भाग लेना होता है, अकेले नहीं बैठते, अपने धर्मपत्नी अर्धांगिनी के साथ ही आपको बैठना पड़ता है। अकेले बैठेंगे तो आप अर्धा हो जाएंगे, पूरा नहीं हो जाएंगे। इसलिए भगवान राम जी जब अयोध्या में, उनको अश्वमेध यज्ञ करना था, उस समय माँ सीता जंगल में रही,
उनको ला करके पूजा में बिठाना संभव नहीं था, यज्ञ तो करना अनिवार्य हो गया। तो धर्म पत्नी के बिना यज्ञ कैसे होगा? तब गुरुजनों ने उनको एक सलाह दिया, सुवर्णमयी प्रतिमा सीता को आप बना लीजिए, उसी को आप बगल में रख करके उसको सीता भावना करके पूजा में बैठ सकते हैं। तभी से अनादि काल से गृहस्थों के लिए कहा गया है, जब भी आप लोग त्रिविध पुरुषार्थों के प्राप्ति के लिए किसी यज्ञ में पूजा में भाग लेते हैं, आपको अपने शक्ति के साथ ही भाग लेना पड़ता है। वैसे भगवान शिव ने अपने शकोरा अर्धांग प्रदान के संपूर्ण स्त्री समाज को एक बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया है। इसलिए सभी गृहस्थों के लिए भगवान शिव और माँ जगदम्बा दोनों आदर्श दंपति माने जाते हैं। इसलिए महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के लिखते समय जब मंगलाचरण करते हैं उस समय वो लिखते हैं, वागर्था विव संप्रुक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती परमेश्वर केवल कैलाश में वास करते ऐसी बात नहीं, आप लोगों ने पंडाल में आवाहन किया पूजा किया केवल यही ऐसी बात नहीं है। शिव और शक्ति शब्द और अर्थ के रूप में पूरे प्रपंच में व्याप्त है। जो शब्द है वह शक्ति है, जो अर्थ है वह शिव है। यारा यह सारा प्रपंच शब्द और अर्थ से ही भरा हुआ है, इसका अर्थ संपूर्ण विश्व शिव शक्तिमय है। इसलिए ये भी हम समझ सकते हैं, जितने पुरुष है वह साक्षात शिवरूप है, जितनी महिलाएं साक्षात जगदम्बा के रूप में, इस प्रकार संपूर्ण जगत के सभी लोगों को शिव शक्तिमय भावना करने की परंपरा हमारे देश की सनातन परंपरा है। भगवान शिव की आराधना महाशिवरात्रि के पर्व काल में पूरे विश्व में अपने अपने ढंग से भगवान शिव की पूजा होती है। जब नवरात्रि आ जाती है तब भगवती की विशेष रूप से आराधना, पहले केवल बंगाल में ज़्यादा होता था, अब धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों में बहिरंग रूप से देवी की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापना करके उनका वैभव से पूजना करके विसर्जन करने की परंपरा है। ईगल संस्था के सभी पदाधिकारी भक्तगण विगत 54 वर्षों से जंगमबाड़ी मठ के इस पवित्र स्थान पर स्थापना करके विधिवत पूजा हवन करके भक्तों को दर्शन के लिए एक सुअवसर प्राप्त करते हैं। और इसी समय महास्वामी जी को भी बुलाकर
सबका दर्शन और आशीर्वचन का लाभ भी करा देते हैं। शिवरात्रि में जंगमबाड़ी मठ में शिव की पूजा और विश्वाराध्य जी का रथोत्सव होता है, उसमें भी आप सब लोग अत्यंत श्रद्धा से भाग लेते हैं, श्रद्धा समर्पण करते हैं। मठ में जब भी कोई कार्यक्रम होता है उस समय भी आप लोग अत्यंत श्रद्धा से भाग लेते हैं, और आपके जो पूजा का कार्यक्रम में महाराज जी भी अत्यंत आनंद से भाग लेकर के आपको आशीर्वाद करते आए हैं। ये परंपरा 54 साल से है लेकिन अनंत साल तक चलते रहेगा, क्योंकि भगवती सनातन है, शिव सनातन, इनकी पूजा भी सनातन होती रहेगी। इससे एक शोभा भी है, स्थान की पवित्रता भी हो जाती है। इस उद्देश्य ईगल संस्था के सभी पदाधिकारियों को और इस कार्यक्रम के लिए अपने योगदान दिए हुए समस्त सद्भक्तों को काशी विश्वनाथ जी का, जगतगुरु विश्वाराध्य जी का, माँ जगदम्बा का अनंत आशीर्वाद सदैव रहे, अशेष शुभकामना करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हर प्रतिवर्ष आके हम लोग आशीर्वचन देते हैं, उससे हम लोग अनुग्रहित होते हैं, ताकि एक वर्ष हम लोग उस अनुग्रहण को चलाते रहें और आगे बढ़ते रहें। और हम लोग जैसे आपने बोला कि अनंत साल तक चलता रहे, तो हम लोग रहे न रहें लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी आती रहेगी इस परंपरा को जरूर निभाएगी। आपके आशीर्वचन से ही हम लोग भी कामना करते हैं। सम्मान हेतु मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वो स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। कृपया जोरदार ताली बजाएं, अपनी करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष महोदय जी। तो आगे बढ़ाते हुए हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करने शांतनु भट्टाचार्य जी को बुलाना चाहते हैं। धन्यवाद तो हम लोग ज्ञापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे, हम लोग आपके सानिध्य में हैं और आपके सारी सानिध्य से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, आपके अनुग्रहित कर रहे हैं। हम शांतनु भट्टाचार्य जी बुलाते हैं। श्री श्री 1008 जगत गुरु विश्व आराध्य ज्ञान सिंहासन जंगम बाबा मठ के महास्वामी जी श्री श्री डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी का ईगल परिवार के तरफ से डॉक्टर कौस्तुभ चटर्जी ने मुझसे अनुरोध किया कि धन्यवाद ज्ञापन किया जाए, परंतु स्वामी जी हम याचक हैं, याचक न तो धन्यवाद दे सकता है, न वो उसका अधिकार है और न ही उसका इतना सामर्थ्य है कि वो धन्यवाद बोल सके। हम याचक हैं, हम आपसे याचना करते आए हैं, याचना करते हुए ही आज से 54 वर्ष पर पूर्व इस महायज्ञ की शुरुआत किए थे। आपके सानिध्य में आपके महाआशीर्वाद से रजत जयंती किया, आपके सानिध्य में आपके आशीर्वाद से आपके छत्र छाया में हम स्वर्ण जयंती वर्ष किए, हम हीरक जयंती में प्रवेश कर रहे हैं आपके छत्र छाया में, हम कौस्तुभ जयंती में प्रवेश करेंगे आपके छत्र छाया में। ये हमारा अहोभाग्य है, हमारा 54 वर्ष की तपस्या एक सफल तपस्या है कि आप हमारी उपस्थिति को अपने संज्ञान में लेते हैं और हमेशा अपना आशीर्वचन हमें देते हैं। और आप इस मंच के माध्यम से आपने एक बार फिर से कहा कि अनंत काल तक आपका ये महाआशीर्वाद हम को मिलता रहेगा, ये हमारा अहोभाग्य है। शिव की उपासना, शक्ति की उपासना, महास्वामी जी दूर सुदूर बंगाल में एक लोकमत चला आ रहा है, नवरात्र सनातन धर्म के विश्व में कोने कोने में मनाया जाता है,
परंतु बंगाल में इसका एक पूजा से ज़्यादा एक उत्सव है ये। वो उत्सव क्या है? वो उत्सव ये है, ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा अपनी चार संतान के साथ पृथ्वी लोक में अपने मायके आती हैं चार दिन के लिए। यह है दुर्गोत्सव जो हम मनाते हैं। और ये अद्भुत संयोग देखिए, तो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो चार दिन की परंपरा है, वो परंपराएं वही हैं कि एक लड़की अपने मायके अपने संतान के साथ आई है, तो लड़की का जो अवभगत होता है, लड़की के जो एक साल बाद आई है, फिर वो एक साल बाद आएगी, वो हम करते हैं, वही है दुर्गोत्सव। और एक अद्भुत संयोग देखिए, हम दुर्गोत्सव मना रहे हैं, वो कहाँ मना रहे हैं? वो मना रहे हैं भगवान शंकर के इस दरबार में। और इस अद्भुत संयोग को अगर साक्षात किया है उन्होंने, तो वो है महास्वामी जी का आशीर्वाद। हम इगल परिवार की तरफ से अपना शीश आपके चरण कमलों में नवाते हैं महाराज। हम आशान्वित हैं, आशान्वित ही नहीं, हमारा पूर्णतः विश्वास है कि हमारा आपका आशीर्वाद आपके छत्र छाया में हम ऐसे ही पलते बढ़ते रहेंगे, हम ऐसे ही समृद्धिशाली शांति की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।